एपीजे क्रिकेट लीग का हुआ समापन, चिश्ती मेवरिक ने जीता खिताब, कप के साथ कई तोहफे नवाजे गए। अजमेर चनवरदाई स्टेडियम में चल रहे एपीजे क्रिकेट लीग का बुधवार को हुआ समापन, जहां चिश्ती मेवरिक वे गाजी अटैकर्स के बीच आखिरी मुकाबला हुआ। चिश्ती मेवरिक ने गाजी अटैकर्स को शिकस्त देते हुए फाइनल का खिताब अपने नाम किया। और इसी बीच हमारे दो खुसूसी मेहमान आशीष भाई और इलियास भाई ग्राउंड पर एक कुनाल नाश्ता लगवा पानी की होटल लगवा सही संपर्क नहीं है पहले की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन मैं बता रहा था आपको इनके पास सब शॉट के पीछे भी खेलते हैं, विकेट्स रखेंगे तो आसानी से मैच जीत सकते हैं। और वही करते हुए वहां पर डॉट बॉल काफी टाइम बाद देखने को मिला। फर्स्ट प्राइज का जो गेस्ट प्राइज देंगे जी सर, बताइए किस तरीके का टूर्नामेंट किया जा रहा है आज अजमेर शहर के अंदर। पहली बार डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम साहब की याद में प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज फाइनल है और इसमें करीब 12 टीमें भाग ले रही है और सभी विजेता और उप विजेताओं को जवाहर फाउंडेशन की तरफ से किस्मती चिन्ह प्रदान किए गए हैं। सर कहाँ पे कराया जा रहा है टूर्नामेंट? आज ये चंद्रवरदाई स्टेडियम में कराया जा रहा है, जो कि अजमेर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। शिव कुमार बंसल, प्रभारी जवाहर फाउंडेशन। ये टूर्नामेंट हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के याद में किया है और आज इसका समापन है और ये स्टार्ट हमने किया था 15 अक्टूबर के दिन जयंती वाले दिन। इसका मोटो हमारा यही है कि युवाओं को अपने को नशे से दूर करना है, स्पोर्ट्स की ओर बढ़ाना है। किस तरीके का टूर्नामेंट किया जा रहा है, कहां पर हो रहा है ये टूर्नामेंट? ये चंद्रवदाई ग्राउंड के अंदर हो रहा है, उसमें 12 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से आज दो लोग टीमें लड़ रही है फाइनल के लिए। विजेताओं को इसके 51,000 रुपये दिया जाएगा, रनर अप को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, मोमेंटो दिए जाएंगे, कप दिया जाएगा। हमारी मैनेजमेंट में इसको कराने के लिए बहुत मेहनत लगी है। किस तरीके की व्यवस्था रही है आपके यहाँ पे? यहाँ हमने पूरी व्यवस्था का ख्याल रखा है, लोगों का ध्यान रखा है, लोगों के जरूरतों का ध्यान रखा है और पूरी की पूरी व्यवस्था अच्छे से बना रखी है। कोरोना का प्रोटोकॉल पूरा दे रखा है, सब चीज़ का हमने इसका व्यवस्था करी है। मेरा नाम अहमद हुसैन है और शानू मैनेजमेंट कमेटी।